ओके स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। और आज वाली क्लास भी आपके लिए मर्ज है, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। और देख सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है अपन को, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, ये हमारी आइडेंटिटी है, ठीक है। और हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी अपन ने, उसका फॉर्मूला था एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। मैंने बताया था उसके से रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हम साइन को कंसिडर करते हैं, माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे। इस वाले आइडेंटिटी के साथ भी दिक्कत है, माइनस होगा तो माइनस लिखना पड़ेगा, प्लस होगा तो प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है। एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर a की जगह कितना है x, b की जगह कितना है 2y, c की जगह कितना है 4z, ठीक है। हिंदी में अगर इस क्वेश्चन का है तो यहाँ पर प्रसार लिखा होगा, आपको प्रसार कीजिए, ठीक है। इंग्लिश में होगा एक्सपेंड, एक्सपेंड या प्रसार करने का मतलब इसको खोलना है, ब्रैकेट खोलना है, ठीक है, होल स्क्वायर खोलना है इसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस टू इंटू बी इंटू सी प्लस टू इंटू ए इंटू सी, ठीक है। ये टर्म्स अपनी दी हुई है, इसे खोलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस टू वाई का होल स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर प्लस 16z का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर आपको इसके बाद इसको सॉल्व करना है, 2 टू जा 4xy प्लस 2 टू जा 4, 4 टू जा 8yz प्लस 2 4 जा 8xz, ये इसका प्रसार हो गया। तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे आपको। ये वाली आइडेंटिटी जो है यहां पर लिखनी पड़ेगी आपको इस स्टेप के बाद, यहां पर ब्रैकेट लगा के, समझ रहे हो। यहां पर आपको सर्वसमिका या फिर जिसे आप बोलते हैं आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी इस स्टेप के बाद और लास्ट स्टेप से पहले, इसके बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे आइडेंटिटी, ठीक है। मैं क्योंकि मेरे पास समय कम रहता है वीडियो पे तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा, क्योंकि मैंने एक बार लिख दी, आपकी जिम्मेदारी है आप अगली बार नीचे लिखे, क्लियर है। आगे चलते हैं, सेकेंड 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहां पर a बराबर है 2x, b बराबर है माइनस वाई, c बराबर है z। यहां पर मैंने बताया था माइनस अगर आ रहा है तो माइनस कंसीडर करना पड़ेगा, सो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 2x माइनस का y है तो माइनस का y प्लस 2 इंटू bc माइनस y एंड z प्लस 2 इंटू ac 2x इंटू z, 2x इंटू z। यहां पर आपकी क्या जाएगी आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी आने के बाद इसका स्क्वायर करिए, 4x स्क्वायर प्लस, अब यहां पर बच्चों देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताने वाला हूं, पहली तीन टर्म्स कभी भी माइनस की नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि उन पे स्क्वायर लग रहा है, अगर यहां पर माइनस होगा भी ना अंदर तो प्लस का हो जाएगा। सो इट इज y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहां पर प्लस लगाना है कि माइनस लगाना है, पहले की तीन टर्म्स प्लस की माइनस की नहीं हो सकती, लेकिन उसके बाद माइनस की हो सकती कि नहीं हो सकती देखते हैं, प्लस माइनस माइनस, या फिर मैं सीधे सीधे समझाऊं तो ये पूरा पद है, ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है और ये पूरी एक टर्म है, 2ab वाली एक टर्म है, 2bc वाली एक टर्म है, 2ac वाली एक टर्म है। अगर इस पे एक माइनस आ रहा है तो माइनस लगेगा, अगर दो माइनस आ रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, अगर तीन माइनस आ रहे हैं तो फिर से माइनस होगा। तो अभी करते हैं इसको सॉल्व करते हैं,
यहां पर एक ही माइनस है तो टू टू जा फोर एक्स वाई, एक ही माइनस है टू वाई जेड, यहां पर एक भी माइनस नहीं है फोर एक्स जेड, तो यहां पर इन दोनों पे माइनस आ गया। तो ये चीज आपको क्लियर होगी मेरे हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z इसका होल स्क्वायर। तो a यहां पर माइनस का 2x है, b यहां पर 3y है, c यहां पर 2z है। सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस टू इंटू बी इंटू सी माइनस सॉरी प्लस टू इंटू ए इंटू सी। यहां पर आइडेंटिटी आ जाएगी आपकी, लिखिएगा आप खुद, ठीक है। मैं बार बार नहीं बताऊंगा। माइनस की वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो प्लस की वैल्यू आएगी, फोर एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस फोर जेड स्क्वायर। तो फर्स्ट थ्री नंबर्स में तो कोई साइन की टेंशन ही नहीं अपन को। आगे चलते हैं। यहां पर एक माइनस है तो माइनस, टू टू जा फोर, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व एक्स वाई, एक भी माइनस नहीं है तो प्लस का प्लस ही रहेगा, टू थ्री जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व वाई जेड, ट्वेल्व वाई जेड प्लस सॉरी यहां पे माइनस है तो एक माइनस आ गया, फोर फोर टू जा एट एक्स जेड। दिस इज योर फाइनल आंसर। मेरे को लगता है आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा इसमें। अब दो क्वेश्चन है जो आपको खुद को सॉल्व करने हैं, ठीक है, मैं नहीं करवाने वाला। मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं। फोर्थ वाला, 3a माइनस सेवन बी माइनस सी का होल स्क्वायर। फिफ्थ है माइनस टू एक्स प्लस फाइव वाई माइनस थ्री जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं इसमें एक बार आपको हिंट दे देता हूँ, एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ आपको। आप जब 2ac करोगे, मतलब 2 इंटू माइनस टू एक्स माइनस का थ्री जेड करोगे, लास्ट वाली टर्म जब सॉल्व कर रहे होंगे आप लोग, प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू ए सी, ये वाली टर्म जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो यहां पर कितने माइनस का साइन है, तो आंसर आपका प्लस में रहेगा, 12xz। क्लियर है बात? तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फोर था जिसके अपन ने इतने सारे पार्ट किए, ठीक है। फिफ्थ आइडेंटिटी यूज हुई है इसमें, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ का लास्ट पार्ट आपको बचा है, सिक्स्थ पार्ट, वन अपॉन फोर ए माइनस वन अपॉन टू बी प्लस वन इसका होल स्क्वायर है। अब देखते ही बच्चे डर जाते हैं, मैं तो पेपर में दे दूंगा, फिर क्या करोगे? आंख बंद करो और एक बार फॉर्मूले में रखना स्टार्ट करो इसको, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये सीखो कि इसको ढंग से लिखते हैं थोड़ा सा। ए अपॉन फोर, इसको ए अपॉन फोर लिख सकते हैं, प्लस सॉरी माइनस बी अपॉन टू लिख सकते हैं, प्लस वन का वन लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। बोले सर ऐसे कैसे कर दिया? ए जब वन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए इंटू वन ए, तो इसको पहले ऐसे सही लिख दिया। अब सॉल्व करते हैं इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी देखो आपका माइनस का बी अपॉन टू है, प्लस सी स्क्वायर वन का स्क्वायर, प्लस टू इंटू ए अपॉन फोर इंटू, इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, टू ए बी इंटू माइनस बी अपॉन टू, प्लस टू इंटू माइनस बी अपॉन टू इंटू वन, प्लस लास्ट वाला टू इंटू ए अपॉन फोर
इंटू वन, ठीक है। पहले वाली टर्म ए स्क्वायर अपॉन 16, दूसरी वाली टर्म बी स्क्वायर अपॉन 4, थर्ड टर्म 1। यहां पर कितने माइनस के साइन है, एक माइनस का साइन है, इस 2 से ए 2 कट गया, तो ए बी अपॉन 4, यहां पर 2 से 2 कट गया, क्या बचा, माइनस का बी, ठीक है, सिर्फ माइनस का बी बचेगा। यहां पर कोई माइनस नहीं है तो प्लस का प्लस ही आएगा, ये 2 बार कट गया तो ए अपॉन 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट सवाल एक्सपेंशन का, एक्सपेंड करने का, ठीक है। अब हम आएंगे, पहले आप इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन को आराम से, ठीक है। अब हमने एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। एक्सपेंड मतलब क्या था, इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट पे जाना, मतलब ब्रैकेट से ब्रैकेट को खोलना। अब हमें खुला हुआ ब्रैकेट मिलेगा, हमें उसे बंद करना होगा, समझ रहे हैं बात को। इसे बोलते हैं अपन गुणनखंड करना या फिर फैक्टराइज करना। मैं लिख देता हूं, फैक्टराइज और गुणनखंड, ओके। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। क्वेश्चन देखते ही बच्चों का दिमाग फिट जाता है बहुत भयंकर तरीके से, बहुत भयंकर तरीके से फिट जाता है, ठीक है। तो मुझे बताओ बच्चों, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, ठीक है, पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, ये फॉर्मूला लर्न था, तो आपको ए बी और सी की वैल्यू पता थी, क्वेश्चन से पता लग गई थी, आपने इस फॉर्मूले में रखा कि था कि नहीं रखा था उसको, ठीक है, रख दिया था। यहां पर भी ए बी और सी की वैल्यू पता करनी है, तो बहुत ईजी है। कैसे पता करेंगे, 4 किसका स्क्वायर होता है बच्चों, 2 का, तो 2x का होल स्क्वायर, यहां पे प्लस आएगा, कभी भी यहां पर माइनस नहीं आएगा, बीच में फॉर्मूले में कहीं पे भी माइनस नहीं आएगा, अभी देखना मैं समझाऊंगा। 3y का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, प्लस 4z का होल स्क्वायर। अब बोलोगे सर समझ में आ गया, ये आपकी a की वैल्यू है, ये आपकी b की वैल्यू है, ये आपकी c की वैल्यू है, कैसे आई, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया और इसका स्क्वायर रूट ले लिया, कहीं पे भी माइनस दिख रहा है, नहीं दिख रहा, लगाना भी नहीं है, चिंता मत करो माइनस की, वो मेरा काम है, बाद में समझाऊंगा, अभी यहां पर कहीं माइनस नहीं लगेगा। फिर कौन सी टर्म आती है, 2ab, तो लिख दीजिए प्लस का 2 इंटू ए कितना है 2x और बी कितना है 3y, फिर प्लस, वापस से प्लस, माइनस लगाना ही नहीं है, चिंता मत करो, प्लस 2bc, तो 2b इंटू सी, 2 इंटू 3y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 2x इंटू 4z, 2 इंटू ए इंटू सी। बोलोगे सही है, बोलोगे सर सब कुछ समझ में आ गया, बट हमें ये क्लियर नहीं हो रहा सर, क्वेश्चन में यहां पर और यहां पर माइनस आ रहा है, दो जगह माइनस आ रहा है, आपने कहीं पे भी माइनस नहीं लगाया, हाउ इट इज पॉसिबल। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, इनमें से एक चोर है, चोर का मतलब इनमें से एक नंबर पे माइनस का साइन है। बोलोगे सर आपने बोला था माइनस लगाना ही नहीं है, आप अगर वीडियो के पहले देखोगे फॉर्मूले में कहीं पे भी माइनस नहीं है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ये छुपे हुए ना चोर, ये नंबर, इनके ऊपर माइनस आ सकता है, मतलब ए और बी और सी पे तो माइनस आ सकता है ना, फॉर्मूले के अंदर कभी भी माइनस नहीं आएगा, यहां पर ये हमेशा प्लस में होंगे, मतलब ये पूरा पद है ना, ये पूरी टर्म है, तो इस टर्म के ब्रैकेट के अंदर माइनस हो सकता है, लेकिन इससे पहले कभी माइनस नहीं होगा। तो ये बात समझ आ गई सर, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा छुपा उस समय इनमें से, किसके ऊपर माइनस लग रहा है, यहां पे 3 वैल्यू है ए बी और सी, इनमें से एक पे माइनस लग रहा है, एक पे, तुक्के बढ़ाओगे नहीं। क्वेश्चन में देखो कौन से वाले टर्म पे माइनस है, वाई जेड और एक्स जेड पे, तो आप लिखो वाई जेड और एक्स जेड दो टर्म्स में माइनस है, ठीक है। तो इनमें कौन सी टर्म कॉमन आ रही है दोनों में, जेड कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा,
तो माइनस वाला कौन सा है, जेड, तो जहां जहां पे जेड है माइनस लगा दो, माइनस 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 ब्रैकेट के अंदर, बस बात खत्म, हो गया। ये आइडेंटिटी लिखोगे इधर इस स्टेप के बाद, क्या लिखोगे, आइडेंटिटी पूरी की पूरी लिखोगे यहां पर। उसके बाद में आप क्या करोगे, अपन क्या कर रहे हैं, खुले ब्रैकेट को बंद कर रहे हैं, तो खुला ब्रैकेट बंद कैसे होगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इस पे प्लस लगेगा, ये माइनस का है 4z, इसलिए माइनस लगेगा इस पे। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z, इसको दो बार लिख दो, काम खत्म। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो बच्चों फिर से इसको समझा देता हूं, आपको ए बी और सी पहचानना है, फॉर्मूले में जमाइए, माइनस वाला चोर पहचानिए और उसको लिख दीजिए, माइनस वाला चोर कई बार नहीं मिलता, इसका मतलब इसमें माइनस है ही नहीं, ठीक है, मिटा रहा हूं उसको। अगला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई प्लस 2 अंडर रूट 2 वाई जेड प्लस 2 प्लस 8 एक्स जेड माइनस एक्स जेड। अब रूट आते ही बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है, सर ये क्या कर दिया, हमारा दिमाग हिल गया पूरा। मैं इस क्वेश्चन को नहीं करूंगा, आप खुद करेंगे, फॉर्मूले में जमाना है, प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं आएगा। लेकिन मैं थोड़ी सी हिंट दे सकता हूं आपको, 2 का अंडर रूट निकालो, बच्चे बोलेंगे सर 2 का अंडर रूट 4, मैं बेटा अंडर रूट पूछ रहा हूँ, स्क्वायर नहीं पूछ रहा, 2 का अंडर रूट कुछ नहीं होता, यहाँ पे रूट 2x का होल स्क्वायर लिखोगे आप, तो ये हो गया आपका a, प्लस b क्या होगा, y किसका स्क्वायर होता है, y स्क्वायर का, प्लस 8 का अंडर रूट है ना बच्चों, याद रखो 2 अंडर रूट 2 होता है, बोल के सर ये कैसे करा आपने, हमें समझ में नहीं आया, 2 का रूट निकालो, सॉल्व हो सकता है आगे, नहीं हो सकता, तो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 ही है, 8 का रूट निकालो, ऐसे निकालते हैं रूट, ये 8 क्लास में मैंने ही पढ़ा हुआ है, 8 क्लास में होता है ये, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, जब इसके अंडर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 8 की वैल्यू कितनी आई है, इनका पेयर बन गया, पेयर बना दो इनका, 1 2 निकल जाएगा यहां से, जो 2 अनपेयर्ड रह गया उसको अंडर रूट में ले लो, तो रूट 8 की वैल्यू क्या होती है, 2 अंडर रूट 2, ठीक है, ये ए आ गया, ये बी आ गया, सी आ गया, फॉर्मूले में जमाओ, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा फिर आपका, ये आपको करना है खुद को, इन तीनों में से एक पर माइनस होगा, किस पर माइनस होगा, एक तो एक्स वाई वाली टर्म माइनस की और एक एक्स जेड वाली टर्म माइनस की, दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स वाली टर्म पे माइनस आएगा, इतना मैंने बता दिया, आगे आपको खुद करना है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, आज हमने ये वाली आइडेंटिटी कर ली, नेक्स्ट क्लास में हम अपन क्यूब वाली आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, थैंक यू फॉर, ओके सो स्टूडेंट थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।